हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पैंट में पॉकेट लगाना। और पैंट में पॉकेट भी दो तीन तरीकों से लगती है, तो उसी में से मैं आपसे एक तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी आप ज़रूर दबा लें, ताकि मेरी वीडियो जो है आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पैंट जिसकी मैंने कटिंग की हुई है। तो ये फ्रंट के दो पार्ट हैं, बैक का मैंने अलग रखा हुआ है। फ्रंट के दो पार्ट हैं ये। तो हमें क्या करना होता है, ये निशान जो है हम उल्टी साइड पर लगाते हैं, तो अंदर जो है इसका दोनों सीधा है पैंट का। तो हमारा जो पैंट का पॉकेट लगेगा वो हमारे राइट साइड में आना चाहिए। तो अब राइट साइड कौन सा होगा, जब हमें स्टिच करेंगे तो हमारा इस तरीके से हमें पहनना जाता है ये। तो हमारा राइट साइड ये वाला होगा। तो इस पीस को हम अभी हटा लेते हैं और सिर्फ एक ही पॉकेट लगाऊंगी मैं राइट साइड। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। अब मैं पॉकेट के लिए जो कपड़ा काटा है वो आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, पॉकेट के लिए मैंने ये कपड़ा काटा है। इसकी लंबाई मैंने 12 इंच ली है। ऊपर से थोड़ा सा कम होता है तो मैंने 6 इंच लिया है, नीचे से मैंने 7 इंच चौड़ाई ली है। और ये डबल कपड़ा है, हो सकता है आपका यहाँ से भी जुड़ा होगा जैसे एक साइड से, तो वो भी चलेगा। पर मेरे पास ऐसे दो पीस हैं, तो इसमें से मैं क्या करूँगी, एक पीस अभी उठा लेती हूँ इस तरीके से और इसके ऊपर रख दूँगी पैंट के ऊपर। और अब हम पॉकेट का शेप लगा लेते हैं। यहाँ पर छोटा साइड मैंने ऊपर रखा है। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच लूँगी और इस तरीके से निशान लगा लूँगी। और जो हमारा पॉकेट खुला हुआ होता है वो 6 इंच होता है, ताकि हमारा हाथ उसमें अच्छे से जा पाए। तो 6 इंच ही होता है, इतना ही लेना होता है। मैं यहाँ पे 6.5 ले लूँगी, क्योंकि ऊपर आधा इंच सिलाई में भी दबेगा। तो 6.5 पे निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से। अब मैं इसकी थोड़ी सी गोल शेप मिलाऊंगी इस तरीके से। इसकी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे एक पिन लगा लें। यहाँ पे हमें मशीन की सिलाई चलानी है, तो चलिए इतना कर लेते हैं। तो अब इस तरीके से हम कर लेंगे इसको, टॉप स्टिच लगाएंगे अब। तो फ्रेंड्स, ये रही पॉकेट। ये हमारा एक ही पीस है, अभी हमें दूसरा पीस जॉइंट करना है इसमें। तो आप देख लें किस तरीके से मैं करती हूँ। इस तरीके से पॉकेट को करूँगी और ये वाला पीस लूँगी। यहाँ पे इस तरीके से बराबर रखना है और यहाँ पे इस तरीके से हमें सिलाई लगा के यहाँ पे लगानी है, यहाँ तक। तो चलिए इतना कर लेते हैं। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे पॉकेट को ऐसे, और इसको ये अंदर चला जाएगा हमारा सिला हुआ। अब कई बार क्या होता है, हम जेब में हाथ भी डालते हैं तो ये अलग से मार्जिन जो है वो हमारे हाथों में लगता है, तो वो उससे अच्छा नहीं लगता थोड़ा। तो हम यहाँ पे भी टॉप स्टिच करेंगे पूरी यहाँ पे इस तरीके से गोलाई में, तो वो मार्जिन भी दब जाएगा। चलिए, यहाँ से आप देख रहे होंगे ये जेब को हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। और यहाँ से भी खुला हुआ है तो यहाँ से भी हम सिलाई लगा लेते हैं। चलिए इतना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉकेट हमारी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। और यहाँ से उल्टे साइड से भी आप देख लीजिए, इस तरीके से पॉकेट का लुक आएगा। और यहाँ पे हमारा बैक पीस जॉइंट हो जाएगा इसी लाइन में, और बनने के बाद भी इसी तरीके से लुक आएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी पॉकेट ये कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा देना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।